मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेकर सम्मान योजना स्कीम किस राज्य ने शुरू की है। नेकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है और इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका सरकार ने वीवर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है नेकर सम्मान योजना। और इस स्कीम के थ्रू राज्य सरकार ने 10.96 करोड़ रुपए की राशि जो है उसको आवंटित किया है, यानी उसको अलोकेट किया है। एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, जो सिल्क, कॉटन, वूल या दूसरे जो हैंडलूम वीवर्स हैं वो सभी इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हैं। और पहले चरण में नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में सभी जितने भी हैंडलूम वीवर्स हैं उनको 2000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, जिसके तहत लगभग 19,774 हैंडलूम वीवर्स को फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है, इसके अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं पावर लूम सेक्टर के, उन सबको भी वन टाइम पेमेंट दी जाएगी 2000 रुपीज़ ईच। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, इसका आंसर है विजू भाई वाला। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने वीवर्स के लिए एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है नेकर सम्मान योजना। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजॉब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। महाजॉब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो जॉब पोर्टल है ये वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको ऑफ़र करेगा री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी वहाँ के जो नागरिक हैं उनको पुनः रोजगार के अवसर प्रदान कराने में हेल्प करेगा। और ये जो पोर्टल है ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड लोकल वर्कर्स। और साथ ही साथ इस पोर्टल के थ्रू जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को जॉब मिलने में सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विल रन दिस महाजॉब पोर्टल। और जो महाजॉब पोर्टल है ये लगभग 17 सेक्टर्स में काम करेगा, जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल। तो दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महाजॉब नामक पोर्टल को लॉन्च किया है जो काम करेगा एज अ ब्रिज इन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द लोकल, जो महाराष्ट्र के लोकल वर्कर्स हैं उन सबके बीच में। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इसका आंसर है उद्धव ठाकरे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, इसका आंसर है भगत सिंह किशोरिया। क्या आंसर है? भगत सिंह किशोरिया। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट के लिए लोन इन सेकंड्स किस बैंक ने लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है यस बैंक। दोस्तों, हाल ही में यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स डिजिटल सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। और बेसिकली इस स्कीम के तहत जो बैंक में जिनका अकाउंट है, जो येस बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, वो बिना किसी पेपर फॉर्मेलिटी के इजीली क्विक लोन फैसिलिटी जो है उसको अवेल कर सकते हैं। और इस लोन इन सेकंड
स्कीम का जो मेन एम था वो था टू प्रोवाइड कस्टमर्स कंप्लीटली पेपरलेस और हेसल फ्री लोन्स टू हेल्प देम टू मीट देयर इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स। यानी जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जो इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको कंप्लीटली पेपरलेस और बिना कोई हैसल फेस किए हुए वो लोग इजीली लोन फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। एलिजिबल कस्टमर्स अंडर लोन इन सेकेंड्स विल रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक विद द लिंक अप्लाई फॉर द लोन। जैसे ही कोई भी अकाउंट होल्डर है वो बैंक में अप्लाई फॉर द लोन पर क्लिक करेगा, उसी के साथ उसको बैंक की तरफ से एक लिंक आएगा जो एक्ट करेगा एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक एंड द अकाउंट होल्डर। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ येस बैंक। येस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, येस बैंक के MD और CEO कौन है? इसका आंसर है प्रशांत कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, येस बैंक की टैगलाइन क्या है? और येस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। तो दोस्तों हाल ही में येस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स नामक डिजिटल सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है RC भार्गव। दोस्तों हाल ही में चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी RC भार्गव ने अपनी एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। और इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बुक लिखी है, बीइंग एन एक्सपीरियंस एज एन पॉलिसी मेकर और एज ए लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर और एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी कौन है? इसका आंसर है केंची आयुकावा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी RC भार्गव ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम किसने ब्रॉडकास्ट किया है? हाल ही में संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम किसने ब्रॉडकास्ट किया है? और इसका सही आंसर है AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिक नामक एक कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है और यह संस्कृत में पहला प्रसारित होने वाला न्यूज़ मैगज़ीन है जो संस्कृत में प्रसारित किया जाएगा। और ये जो संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम है इसमें क्या है, पूरे एक वीक के जितने भी प्रमुख घटनाक्रम हैं उन सभी को संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को प्रसारित करेगा। यानी जितने भी प्रोमिनेंट जो घटनाएं हैं या कोई भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर वीक के उन सबको संस्कृत में प्रसारित किया जाएगा। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक कौन है? और इसका सही आंसर है ईरा जोशी। कौन है दोस्तों? ईरा जोशी। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका कैंपेन शुरू की है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक एक कैंपेन लॉन्च की है और ये जो कैंपेन लॉन्च की है इसका मेन मोटो है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश।
और इस कैंपेन के थ्रू मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव अपने जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं मध्य प्रदेश के उनको डिस्क्राइब किया है इन क्वाइट अट्रैक्टिव वेज, जिससे कि जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हों और मध्य प्रदेश में विजिट करें। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने काफ़ी सारे टूर पैकेजेस भी बनाए हैं एज़ पर द टाइम एंड कन्वीनियंस ऑफ द टूरिस्ट, अलॉन्ग विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, इसका आंसर है आनंदी बेन पटेल। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनिनो मैरिकॉम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, और इसका सही आंसर है फिल्म कंपोजर। दोस्तों हाल ही में ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म कंपोजर इनिनो मैरिकॉन का निधन हो गया है और उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 500 से भी अधिक फिल्में बनाई हैं और इनिनो मैरिकॉन को ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर हिज वर्क ऑन क्विंटिन टारेंटो द हेटफुल एट 2015 में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिस इन्फेक्शन बॉक्स यूनी सेवियर को किसने डेवलप किया है, हाल ही में डिस इन्फेक्शन बॉक्स यूनी सेवियर को किसने डेवलप किया है, इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। दोस्तों हाल ही में आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने यूनी सेवियर नामक एक डिस इन्फेक्शन बॉक्स को डेवलप किया है और ये जो यूनी सेवियर डिस इन्फेक्शन बॉक्स है इसको यूज़ करते हैं टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स, एप्रल्स, पीपीई किट्स और इसके अलावा जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। और जो ये इसके अलावा ये जो डिसइंफेक्शन बॉक्स है इसको बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जिससे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन है उसको मेंटेन किया जा सके। और यूनी सेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स में हाईली रिफ्लेक्टिव ज्योमेट्री पर मेटल की एक लेयर कोटेड है, जिसकी वजह से जो कीटाणु रहित जितने भी मटेरियल्स हैं, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए यूवीसी लाइट को कैलिब्रेट पैसेज प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इसमें एक यूवीसी लाइट के लिए एक अलग से स्विच भी लगाया गया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया करवाया है, और इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है इंडिया में जहां पर 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शंस हैं। और ये जो 100% गैस कनेक्शन स्टेट में है ये हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एक्चुअली स्टेट में लगभग 1.36 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनको गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए थे अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, और बाकी बचे हुए 2,76,243 फैमिलीज को फ्री गैस कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं अंडर द स्कीम हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर है जयराम ठाकुर,
और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? इसका आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? और इसका सही आंसर है वेलेंटरी बोटास। दोस्तों हाल ही में मर्सिडीज़ के रेसर वेल्टरी बोटास ने ऑस्ट्रिया के सिपलबर्ग में आयोजित रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2020 अपने नाम करी है। और यह जो रेस थी ये फॉर्मूला वन सीज़न 2020 की पहली रेस थी, और इसमें फिरारी के रेसर चार्ल्स लेरेस ने सेकंड स्थान पर रहे और मैकलेरिन लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सोलर पावर जनरेशन के लिए किसके साथ टाइप किया है? और इसका सही आंसर है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ कलेब्रेशन किया है फॉर सेटअप ऑफ 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट बीना इन मध्य प्रदेश। और इस परियोजना में रेलवे की ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में जो डीसी करंट है उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट फॉर फीडिंग डायरेक्टली टू रेलवेज़। और ये जो सोलर पावर प्लांट है इसको इस्टेब्लिश किया गया है नियर बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन, और इस के थ्रू लगभग 25 लाख यूनिट जो यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं वो एनुअली प्रोड्यूस की जाएंगी, जिससे लगभग 1.37 करोड़ की बचत आएगी हर साल। और द प्रोजेक्ट वॉज अंडरटेकन बाई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। इस टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे बेल के एमडी और चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन है, BHEL की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1964 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, BHEL का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका सही आंसर है इंजिती श्रीनिवास। दोस्तों हाल ही में 1983 बैच IAS ऑफिसर इंजिती श्रीनिवास को फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, और ये अपॉइंटमेंट जो है ये 3 साल के लिए हुई है, और इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। और दोस्तों ये जो IFSCA है यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, ये हाल ही में इस्टेब्लिश की गई है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन अप्रैल 27 को, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है इस अथॉरिटी का वो है टू रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
इसी के साथ हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में ऑफैक 16 स्पाई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है इजराइल। दोस्तों हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेंटर इजराइल के पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित शेविट रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑफेक 16। और ये जो है ये फर्स्ट लॉन्च है इजरायली स्पाई सैटेलाइट का स्पेस में आफ्टर ऑफेक 11, जिसे सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। और ऑफेक 16 जो है वो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग ब्लू एंड वाइट टेक्नोलॉजी, और इसका जो पेलोड है उसे डेवलप किया है बाय डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैपिटल ऑफ इजराइल, इसका आंसर है जेरूसलम। हमारे पास में अगला है इजराइल की करेंसी यानी मुद्रा क्या है, इजरायली शेकल। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम है रुवेन रिवलिन। अगला क्वेश्चन है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 7th of July। दोस्तों हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे यानी इंटरनेशनल चॉकलेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है जो चॉकलेट का हमारी जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी पर्सनल लाइफ में किस तरह से एग्जिस्टेंस है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए। और इसको चॉकलेट डे को सेलिब्रेट किया जाता है बाय ईटिंग चॉकलेट्स और शेयरिंग इट विद डियर वंस। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे 2009 में सेलिब्रेट किया गया था, और यह दिन हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 1550 में 7 जुलाई को फर्स्ट टाइम यूरोप में चॉकलेट को लाया गया था। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।